हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो पर। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैनवा के अंदर लोगो बनाना। पहले तो सोचते हैं कि लोगो बनाना किस टॉपिक पर है, तो सबसे पहले कैनवा असिस्टेंट में जाता हूं मैं और यहां पूछता हूं, गिव मी अ रैंडम ब्रांड एंड कैटेगरी, ब्रांड एंड कैटेगरी फॉर क्रिएटिंग अ लोगो। मुझे नहीं पता है लोगो मुझे किसका बनाना है, मैंने कुछ प्लानिंग करके नहीं रखा है। तो लोगो बनाते हैं, जनरेट करते हैं, इसी से पूछ लिया है। तो बोल रहे हैं नाइकी का स्पोर्ट्स का बना लो, तो चलिए मान के चलते हैं कोई स्पोर्ट्स हाउस है जिसका नाम है, इसका नाम है चलिए राकेश स्पोर्ट्स हाउस। मान के चलिए ये कंपनी है राकेश स्पोर्ट्स हाउस और इसका हमें लोगो बनाना है, राइट। अब शुरू करते हैं लोगो बनाना। तो सबसे पहले जाएंगे एलिमेंट्स में, लेफ्ट में एलिमेंट्स में जाके आपको टाइप करना है लोगो, राइट। अब लोगो और स्पोर्ट्स भी डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर है। स्पोर्ट्स हमने डाल दिया है और ग्राफिक्स में सी ऑल पे क्लिक करना है, सी ऑल पर। अब देखिए आप कितने सारे यहाँ पर जो है लोगो आ गए हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अब आपको अच्छा लगना चाहिए वो है लोगो आपकी पसंद का, क्योंकि सबकी पसंद जो है अपनी अपनी अलग होती है। तो यहाँ पर क्योंकि राकेश है स्पोर्ट्स है, तो राकेश का आर लोगो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आर लोगो, आर लोगो। अब इसमें से जो आपको अच्छा लग रहा है हो वो आप चूज कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया आर, और फिर हम ले सकते हैं एस लोगो। एस लोगो यहाँ से ले लिया हमने, बट यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया है। अब देखिए ऐसे तुक्के में बन जाता है कभी कभी, मैं तो तुक्के ज़्यादा लगा देता हूँ, वैसे बन जाता है तुक्के में कभी कभी। इस लोगो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें आर है राकेश, और स्पोर्ट्स का एस है यहाँ पे एस, और पी भी है यहाँ पे पी, स्पोर्ट्स का एस पी। तो राकेश स्पोर्ट्स बन रहा है यहाँ पे इस तरीके से, इसको आगे पीछे भी करके देख सकते हैं राकेश स्पोर्ट्स। तो ये कैसा लगेगा देखने में, तो अगर ये देखा जाए तो सही लग रहा है। इसमें हिंदी का रा भी है, अच्छी फीलिंग है, रा हिंदी का भी है इसमें, और स्पोर्ट्स भी है, और ये इधर भी जा रहा है लेफ्ट में राइट में भी जा रहा है, तो ये ठीक सा लग रहा है। इसको चाहें तो हम थोड़ा सा मैच भी कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ तक मतलब सेट कर सकते हैं। तो अभी देखिए लोगो जो है फैंटास्टिक बना है राकेश स्पोर्ट्स। अब इसमें स्पोर्ट्स की कोई बात तो मिसिंग है, कोई बात मिसिंग है, तो फिर हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स लोगो लेकर आते हैं। ना देखिए लोगो जो होता है ना बड़ी चीज होती है, वो अगर बन जाए तो समझिए कि बड़ी बात है। लोगों एक विचार होता है और सबके विचार अलग अलग होते हैं, अपने सबके अपने अपने विचार जो हैं अलग अलग होते हैं, तो सबका अपना थॉट प्रोसेस है। एक तो ये राकेश स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स का आइकन भी ले सकते हैं हम यहाँ से, आइकन ये स्पोर्ट्स का आइकन है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं अपने इस लोगो को, यहाँ पे रख सकते हैं राकेश स्पोर्ट्स, इसको यहाँ कर सकते हैं, और इस कलर जो है अपना मैचिंग जो है कलर कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस
तरीके से भी मैच कर सकते हैं। कहाँ तक करना है, क्या करना है, वो आपकी पसंद पर निर्भर करता है। इसको हम चाहें तो यहाँ ऊपर भी लगा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये लोगो भी ठीक लग रहा है, इसको छोटा भी कर सकते हैं अपनी पसंद के आधार पर। और लोगो अगर राउंड या स्क्वायर में फिट हो जाए फिर तो बात ही अलग है। थोड़ी देर के लिए राकेश स्पोर्ट्स हाउस को जो है छोटा कर देते हैं या फिर दूसरी जगह इसको ले आते हैं यहाँ पर। लोगो अगर आपका राउंडेड हो और स्क्वायर हो तो ज़्यादा बेटर होता है। एक बात, दूसरी बात, लोगो कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे ये ऐसे नहीं होना चाहिए, कनेक्टेड लोगो होना चाहिए। कुछ भी हो थोड़ा सा बट कनेक्टेड हो। जैसे अब ये बिल्कुल अलग हो गया है, ये लोगो जो है आइडियल नहीं माना जाता है मेरे हिसाब से, मेरे विचार हैं खुद के। अगर लोगो कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा रहता है, स्ट्रांग मजबूती के साथ खड़ा है वो उसके ऊपर, राइट। तो ये लोगो हमने मजबूती के साथ यहाँ पर टिका दिया है, राकेश स्पोर्ट्स हाउस। ये बहुत बढ़िया लोगो मतलब बना है, बाकी सबकी पसंद है। अब यहाँ पर राकेश स्पोर्ट्स हाउस का एक और लोगो बनाने की कोशिश करते हैं, आर लोगो। यहाँ पर बहुत सारे मिल जाते हैं, मैं आपको रेडीमेड ही इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ अभी। तो आप इनमें से कोई भी आर ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको अच्छा लग जाए वही आपकी पसंद का है। राकेश और आर एस लोगो भी ले सकते हैं आप, आर एस भी बहुत सारे मिल जाएंगे। राकेश स्पोर्ट्स हाउस और आर एस एच अगर मिल जाए तो बड़ी बात है, वैसे मिलेगा नहीं इतना बड़ा कॉम्बिनेशन। आर एस लोगो, आर एस लोगो तो रेडीमेड आपको इतने सारे मिल जाएंगे, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। राकेश स्पोर्ट्स हाउस, राकेश, सारे आर एस के लोगो हैं ये लेफ्ट में। तो कोई भी अगर लोगो बनाना है तो आराम से यहाँ से बना सकते हैं आप। बट मैं क्या करने वाला हूँ, एक बढ़िया सा फॉन्ट लेने वाला हूँ और उसकी मदद से यहाँ पे मैं लोगो बनाने वाला हूँ। देखिए क्या होता है, और इसको मैं देने वाला हूँ यहाँ पे बोल्ड। मुझे बोल्ड ही ज़्यादा पसंद आते हैं, मैं इसको बोल्ड देने वाला हूँ। कोई सा बोल्ड ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पोर्ट्स को मैच करता हुआ बोल्ड। मैं आपको दो तीन तरीके से यहाँ पे लोगो बना के दिखाने वाला हूँ। ये मैंने ले लिया है एक आर, और एक मैं लेने वाला हूँ एस। ये मैंने ले लिया है आर एस, और मैं इस लोगो को यहां से ना कॉपी करने वाला हूं। कॉपी, कहने का तात्पर्य है मैं यहां पे एक बॉक्स लेने वाला हूं, और इसको मैं वाइट कलर देने वाला हूँ, वाइट कलर। और यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लेके आ रहा हूँ, स्पोर्ट्स आइटम्स, स्पोर्ट्स आइटम्स मैं लेकर आया हूँ। और एक बॉल मुझे मिल जाएगी, बॉल, एक बॉल ले लेता हूँ मैं। तो मैंने ले ली, एक तो ये ले लेता हूँ मैं।
तो ये आपका ये हमें मिल गया है आर का, आर की ये वाली साइड मिल गई है। समझ पा रहे हैं आप, आर की ये वाली साइड मिल गई है। और देखते हैं अब क्या मिल सकता है। आर का अगर ये वाला पार्ट देखा जाए तो ये भी मिल गया हमें। आर में ये पार्ट होता है आर, ये देखिए, तो ये आर का ये हिस्सा बन गया। छोर देख लेते हैं अब आर के लिए। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इसमें लोगो बनाने में। मैं तो सिर्फ आपको ही दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर ऑप्शंस कितने सारे होते हैं। तो अगर आप आर देख पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आर हो गया। और मुझे अगर एस बनाना है तो यहाँ पर मुझे एस भी ढूंढना पड़ेगा। तो ये लोगो कम ड्रामा ज़्यादा लग रहा है, बट मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगो ऐसे भी बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर एस तो है, एस करके ऐसे, बट वो समझने वाली बात है। आप इसे लोगो कह सकते हैं अपना, बट ये बहुत ज़्यादा बचकाना टाइप का है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब एक और तरह का लोगो बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल फैंटास्टिक टाइप का। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे लोगो मिल गए हैं। अब आपको ये जो आइटम है ये मिल जाता है तो ये बहुत अच्छा होता है, पर इसको क्या बोलते हैं वो पता चलेगा इसके ऊपर क्लिक करके। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे किसी भी आइटम के ऊपर, तो ऊपर एक आई का बटन आ जाता है, उस पर क्लिक कीजिए। शील्ड शेप, इसको बोलते हैं शील्ड शेप। बहुत बढ़िया, तो ये शील्ड शेप मिल गया है मुझे। अब मैं इस शील्ड शेप को जो है राकेश स्पोर्ट्स हाउस में तब्दील करने वाला हूँ। इसके लिए मैं ये आर लेकर आऊँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ राकेश। तो ये जो राकेश मैं ले आया हूँ यहाँ पे, इसको इसके अलाइनमेंट में लगाना पड़ेगा, मतलब इसके ठीक ठीक पैरेलल लगाना पड़ेगा राकेश। अब ये बाहर की जगह इसको हम अंदर भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। देखिए राकेश, हमने बिल्कुल यहाँ पर इसको सेट कर दिया राकेश, यहाँ पर देखिए राकेश, राकेश को बिल्कुल हमने यहाँ पर सेट कर दिया। और इसी तरीके से हम यहाँ पर स्पोर्ट्स लिखने वाले हैं, SPORTS, स्पोर्ट्स। और स्पोर्ट्स को भी हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं। तो ये स्पोर्ट्स भी हमने यहाँ पर सेट कर दिया। बचा क्या, हाउस। तो हाउस भी हम यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे। राकेश स्पोर्ट्स हाउस, इतना हो गया। बट अब नीचे क्या करना है, नीचे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो नीचे आप कुछ लगा सकते हैं, स्पोर्ट्स का आइटम। अब स्पोर्ट्स की दुकान है तो पूरा ये लगा दो, इससे क्या पता चल रहा है कि सारे स्पोर्ट्स के आइटम आपके यहाँ पर मिलते हैं। और इसका कलर कर दीजिए आप वाइट। एक तो ये लोगो बन के आ गया राकेश स्पोर्ट्स हाउस का। कोई बुराई नहीं है इस लोगो में, इट्स अ गुड लोगो, राइट। और ये काफी लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। बट इसी लोगो का अगर मुझे कुछ और वर्जन बनाना हो तो फिर क्या कर सकते हैं? तो चलो फिर ये वाली चीज जो है इसको हम हटा सकते हैं। हाउस को नीचे, स्पोर्ट्स को बीच में, और राकेश को यहाँ पर ला सकते हैं।
तो इस तरीके से कर सकते हैं, इनको हम जो है राकेश को बीच में ले आएंगे, स्पोर्ट्स को बीच में ले आएंगे, हाउस को भी बीच में ले आएंगे। अब होता क्या है कि ये जो शील्ड है वही स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो ये शील्ड है वही स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर स्पोर्ट्स का आइटम लगाया ही जाए। राकेश स्पोर्ट्स हाउस, कायदे में अगर देखा जाए तो अब ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे तो, क्योंकि नाम बड़ा बड़ा हो गया, राकेश स्पोर्ट्स हाउस, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दुकान के ऊपर ये लगा हुआ है, शोरूम के ऊपर अच्छा लगेगा, राकेश स्पोर्ट्स हाउस, अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरीके से लोगो बना सकते हैं, क्लाइंट को अच्छे भी लगेंगे। तो ये कैनवा के अंदर लोगो हैं, बट इसके अंदर भी काफ़ी रिवीजन हो जाते हैं, तो इसीलिए क्लाइंट के साथ इसमें कम से कम 1500 रुपये तो बनते ही बनते हैं। बट क्लाइंट कई बार और भी चीज़ें मांगते हैं, वो खुद ही सजेशन देते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट्स और करनी पड़ती हैं। नहीं तो आप यहाँ से कोई लोगो चुन सकते हैं, जैसे मैंने ये एक चुन लिया, देखिए ये एक लोगो मैंने यहाँ से चुन लिया, आई हैव चोजन दैट, राइट। और अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ राकेश स्पोर्ट्स हाउस। तो यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, इफेक्ट्स में जाके इसको आप राउंडेड कर सकते हैं। ये एक तरीका है लोगो बनाने का, जो मेरा फेवरेट तरीका है, राकेश स्पोर्ट्स हाउस, ये भी एक तरीका है, मेरा फेवरेट तरीका है मेरा, तो ये लोगो बनाने का, ये देखिए राकेश स्पोर्ट्स हाउस का बहुत बढ़िया लोगो रेडीमेड जो है बन के तैयार हो गया है मात्र 1-2 मिनट में। तो क्लाइंट अगर कहता भाई कुछ और लोगो दो, तो इस तरीके से आप बहुत सारे लोगो बना बना कर क्लाइंट को दे सकते हो, उसमें से क्लाइंट को पसंद आ जाएगा, राइट। लोगो बहुत सारे बना सकते हैं आप, ये वाले को भी राकेश स्पोर्ट्स हाउस में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखिए इसको भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, ये देखिए, और नीचे वाले को भी वाइट कर दीजिए, बहुत बढ़िया लोगो बन के आ रहा है राकेश स्पोर्ट्स हाउस का, देखिए बहुत ही रॉयल और ट्रेडिशनल लग्जरी लोगो बन के आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है राकेश स्पोर्ट्स हाउस का लोगो। इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हर चीज़ का लोगो बनाने के, यहाँ पे आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का लोगो मैं आपको बना के दिखाऊं, उसके ऊपर कुछ आइडियाज़ दूं आपको, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप फुल कैनवा सीखना चाहते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फुल कैनवा कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें कैनवा आता है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको शायद नहीं आती हैं, और आ जाएंगी तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो एक पूरा कोर्स जो मेरे पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस का रिजल्ट है, वो आपके लिए है। जाइए पूरे कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आज से ही बेहतरीन कैनवा सीखना शुरू कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।